बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के डिमांड पर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ऑडियो लेक्चर अब उपलब्ध है। जितने भी थ्योरी होती हैं जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उन सभी के लिए मैं इस तरह से वीडियो बनाते जा रहा हूँ ताकि आप वीडियो सुन करके उस टॉपिक को याद कर सकें। ठीक है, बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ठहराव के ऊपर वीडियो बनाइए, इसको अच्छे से समझाइए, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रश्न इस तरह से आएगा, क्या सभी अनुबंध ठहराव होते हैं? किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, इसको स्पष्ट कीजिए या समझाइए। उस हेडिंग को मुख्य रूप से आपको बीचों बीच लिखना है, फिर यहाँ पर अपना प्रस्तावना या कंक्लूजन को रखना है कि ठहराव अनुबंध का महत्वपूर्ण अंग है। आपको पता होना चाहिए कि अनुबंध से पहले ठहराव होता है, तब जाके वो अनुबंध में कन्वर्ट होता है। तो ठहराव अनुबंध का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके बिना अनुबंध जन्म नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, ठहराव के बाद अनुबंध होता है, अगर ठहराव ही नहीं हुआ तो अनुबंध होता ही नहीं। तो इसके बिना अनुबंध का जन्म ही नहीं हो सकता है, यह उसकी नींव होती है। अतः निश्चित है कि प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है, मतलब ये तो निश्चित है कि प्रत्येक अनुबंध एक ठहराव में होता है, और यह अनुबंध का रूप तभी धारण कर सकता है जब राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। किसी ठहराव को अनुबंध का रूप तब देते हैं जब वह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। अतः यह कथन कि सब अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सब ठहराव अनुबंध नहीं होते, यह पूर्णतः सत्य है। ठीक है, मतलब जहाँ भी अनुबंध है समझ लो वहाँ ठहराव है, लेकिन हर ठहराव को अनुबंध नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ठहराव व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। अब सुनना ध्यान से, ठहराव प्रत्येक वचन या वचनों का समूह हो जिसमें एक व्यक्ति वचन देता है उसको वचनदाता कहते हैं, दूसरा वचन को ग्रहण करता है उसको वचन गृहता बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्रतिफल होता है, और उस बात पर किसी बात पर जब सहमत हो जाती है तो उसको हम ठहराव कहते हैं। यह थी जैसे राम मोहन को एक मकान 10 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखता है और मोहन उसको स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब यह कहा जाएगा कि राम और मोहन के बीच में एक समझौता हो गया, उसी समझौते को ठहराव बोलते हैं। ठीक, अब अनुबंध क्या होता है? अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य दायित्व उत्पन्न कराता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार कोई ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। जैसे कि राम स्वेच्छापूर्ण अपने वाणिज्य संनियम की पुस्तक मोहन को 100 रुपये में देने को तैयार है, तथा मोहन स्वेच्छापूर्ण अर्थात बिना किसी दबाव के अपनी सहमति प्रदान करता है कि हाँ मैं उसको ले लूँगा, तो इसे हम अनुबंध कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुबंध कहेंगे। अनुबंध की परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुबंध के लिए 3 तत्व अत्यंत आवश्यक है, एक तो ठहराव होना, उसका वैधानिक दायित्व होना, तथा राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी को अनुबंध में हम शामिल करते हैं तो वह 3 नियम जरूर होना चाहिए, उसमें ठहराव होना चाहिए, एक वैधानिक दायित्व होना चाहिए, और राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। अब देखिए, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, उस मुख्य हेडिंग का एक पॉइंट है ये, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। तो आपको पता है ना कि जहाँ भी अनुबंध है मतलब वहाँ ठहराव है, मतलब हर अनुबंध क्या है? ठहराव है। अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है, जो मैंने आपको उधर समझाया था उसी को फिर से इधर लिख देना है, जो सबसे पहले समझाया था कि अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है, बिना ठहराव के अनुबंध की कल्पना नहीं की जा सकती, यह ठहराव उसकी आधारशिला होती है। किसकी? अनुबंध की। जैसा कहा जाता है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग अवश्य होगी, आप ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं, अगर आपको धुआं दिख रहा है तो वहां आग जरूर लगी होगी, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनुबंध होगा वहां ठहराव जरूर होगा, बिना ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता, है ना? तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है जहां पर आप दे सकते हैं, मतलब उदाहरण दे सकते हैं, और कई उदाहरण ऐसे इस तरह के इसमें ऐड करके आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, पल्लवन कर सकते हैं, मतलब इसको बड़ा कर सकते हैं, विस्तार से बता सकते हैं। ठीक है, इस ठहराव के द्वारा पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न होना चाहिए। बहुत से ठहराव ऐसे होते हैं जिनके द्वारा वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता, अतः वे अनुबंध नहीं कहे जा सकते। साथ ही कोई ठहराव अनुबंध का रूप तब धारण करता है जब वह कानून द्वारा परिवर्तनीय हो। एक ठहराव के राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने में उसमें कुछ विशेष लक्षणों का होना आवश्यक है। ये लक्षण इस प्रकार के ठहराव होना चाहिए, अर्थात पक्षकारों के बीच प्रस्ताव तथा स्वीकृति होनी चाहिए। ठहराव ऐसा हो जो वैधानिक रूप से लागू हो, पक्षकार अनुबंध करने तथा योग्य तथा उसमें स्वतंत्र सहमति हो। ठीक है, तो वही चीज़ है, किस तरह से उसको हम अनुबंध के रूप में कन्वर्ट करते हैं उस बातों को लास्ट में लिखना है, पर पहले आपको वही बातें फेंक फेंक करके बतानी है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अब उदाहरण देखो,
आप ऐसे कुछ भी उदाहरण ले सकते हो ना जिसमें ये बातें स्पष्ट हो। पहले सुनो, मोहन ने सदर बाजार के पास स्थित अपना मकान 15 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव सोहन के समक्ष रखा। मोहन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मोहन ने सदर बाजार को बेचने का प्रस्ताव सोहन के पास रखा तो मोहन कैसे स्वीकार करेगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है। सोहन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उन दोनों का मध्य ठहराव हो गया। सोहन को 15 लाख रुपए का प्रतिफल मोहन से मकान प्राप्त करने का अधिकार है। यदि मोहन अपने प्रस्ताव को पूरी नहीं करता तो सोहन को यह अधिकार है कि वह न्यायालय की शरण ले और न्यायालय के आदेश से अपना मकान प्राप्त करे, क्योंकि उसके ठहराव में वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण समावेश है। तो जैसे कि दो लोगों के मध्य में किसी न किसी बात पर अगर कोई अनुबंध होता है, शर्त रखी जाती है कि भाई इतने रुपए में मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? उसने हाँ कह दिया और मान लो उसने पैसे भी दे दिया। अब उसके बाद अगला व्यक्ति अगर अपना मकान नहीं दे रहा है पैसा प्राप्त करने के बाद, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो कानून के पास जाए, है ना, रिपोर्ट दर्ज करे और कहे कि ये समझौता हुआ था हम दोनों के बीच में, मैंने तो पैसा दे दिया, इसने मकान नहीं दिया। तो कानूनन उसके पक्ष में कानून रहेगी और उसको मकान जरूर मिलेगा और उसको देना पड़ेगा जिसने इस समय समझौता किया था, क्योंकि वो वैध अनुबंध था, है ना। अब समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, ये भी एक पॉइंट है। तो देखिए, ठहराव होने के लिए अनुबंध का होना जरूरी नहीं होता। देखिए, दो व्यक्ति जब किसी न किसी बात को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो उनको ठहराव कह देते हैं। पर हर ठहराव अनुबंध जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ठहराव में हो सकता है आप अगर किसी बात के लिए सहमत है तो उससे कोई दायित्व उत्पन्न ना हो, कोई प्रतिफल प्राप्त ना हो, है ना। देखो, जब दो व्यक्ति किसी की बुराई कर रहे हो और दोनों उसी की बुराई कर रहे हो, तब दोनों के बीच में भी सहमति हो जाती है कि हाँ तू ठीक कह रहा है, तू ठीक कह रहे हैं। हमारे भारत में लोग सफ़र कर रहे हैं और दोनों कहीं एक ही क्षेत्र से हैं, मिलेंगे तो हर बात पे एकमत हो जाते हैं, तो उनके बीच में ठहराव हो जाता है। तो उसमें तो कोई प्रतिफल उत्पन्न नहीं होता, तो उसको हम ठहराव नहीं कहते हैं। तो वही बात इसमें लिखी है कि ठहराव के लिए दो बातों का, प्रस्ताव तथा स्वीकृति का होना आवश्यक होता है। अन्य बातें जो अनुबंध में होनी चाहिए ठहराव के लिए आवश्यक नहीं होती। ठहराव का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक उत्तरदायित्व ठहराव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सिनेमा देखने का ठहराव, खाने का नियंत्रण का ठहराव, सैर के लिए मतलब घूमने जाने के लिए ठहराव। वैधानिक दृष्टि से ऐसे ठहराव अनुबंध के आधार नहीं होते। देखो भाई, अगर घूमने जाना है बाहर तो 10 लोगों को अगर ले करके जाना है तो उनके बीच में एक सहमति होती है कि भाई हम यहाँ घूमने जाना चाहते हैं, इतने रुपए की लागत आएगी, सब देने के लिए रेडी हो कि नहीं। तो जिनको जाना होता है हाँ सहमति देते हैं, हाँ फिर एक दिन पैसा देते हैं और जाते हैं। तो कोई भी बात, चाहे वो घूमना हो, चाहे पार्टी करना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, या पिक्चर देखने क्यों ना जाना हो, एक व्यक्ति 4 लोगों से बात करेगा, सहमति लेगा, फिर जा करके वो लोग उस काम को करते हैं। तो वही बताई है कि सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि रूप से ये जुड़े होते हैं, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं होता इसके अंतर्गत, है ना। मोहन अपने मित्र सोहन को सिनेमा देखने के लिए निमंत्रण देता है। सोहन इसे स्वीकार भी कर लेता है, परंतु मोहन को सिनेमा की टिकट नहीं मिली और वह अपने वचन का पालन नहीं कर सका। ऐसी दशा में मोहन सोहन से हर्जाना वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पक्षकारों का इरादा वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने का नहीं था। यह ठहराव ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बन सकता। ठीक है, तो ठीक है, किसी व्यक्ति ने कहा कि मूवी देखने जाएंगे और मान लो टिकट नहीं मिला, तो वो दूसरे व्यक्ति उसे पैसा हर्जाना वसूल नहीं सकता, मतलब उसको अनुबंध नहीं कहेंगे ऐसे बातों को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको डिटेल से लिखना है, और उसके बाद केवल उदाहरण उदाहरण आपको पढ़ना है। उदाहरण उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करना है। आप चाहे तो इनका उदाहरण लिख सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपने में से उदाहरण लेकर के इसको बड़ा कर सकता हूँ, तो उस तरह से इसको डिटेल से लिखना है। ठीक, तो इसी तरह से मैं और ऑडियो लेक्चर लाता रहूँगा। अभी मेरे पास समय का अभाव है, समय कम है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ गया, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, लाइक द वीडियो।